Assalamu alaikum students. Today we have the revision session number 1 from the chapter number 4, cell and tissues. Today we will start the revision of chapter number 4, cells and tissue. What is the meaning of cell and what is the meaning of tissue? As all of you know that cell is a structural and functional unit of life. किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप नोट करें, दे ऑल आर मेड अप ऑफ टिश्यू, प्लांट हो या एनिमल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू? व्हेन द सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर एंड द फंक्शन आर सेम आर कॉल्ड टिश्यू. बट बिफोर स्टडी द सेल एंड टिश्यू इन डिटेल, वी शुड नो व्हाट इज माइक्रोस्कोप. पेज नंबर 57. Microscope and immerse of cell theories. यानी माइक्रोस्कोप कैसे बना, सेल थ्योरी कैसे जो है वो इवॉल्व हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू प्रोड्यूस मैग्निफाइंग विजुअल और फोटोग्राफिक इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई. ठीक है ना, ये आपको पेज नंबर 52 में माइक्रोस्कोप नीचे से आप देखें तो थर्ड पैराग्राफ है आपका माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपको विजुअल, आपको अपनी आंखों से नज़र नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें आपको इनलार्ज होकर नज़र आए. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे, मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो आप इसको क्लियरली नहीं देख सकते, वी कैन यूज़ द लेंस. आपने एक लेंस इस्तेमाल किया और आपने इसको इनलार्ज करके देखा. अगर मैं एक और लेंस इस्तेमाल करूँ तो वो मुझे और ज़्यादा इनलार्ज होकर नज़र आएगा. ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप एग्जाम्पल, आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप कोई भी चीज़ इनलार्ज करके देख सकते हैं. ठीक है, और अगर आपने दो लेंसेज इस्तेमाल कर लिए तो वही चीज़ जो है वो आपको और ज़्यादा इनलार्ज होकर नज़र आएगी. ठीक है ना, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं. सो हेयर आर टू टर्म्स. नंबर 1 इज़ अ मैग्नीफिकेशन एंड नंबर 2 इज़ अ रेजोल्यूशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नीफिकेशन? वी हैव लर्न दैट मैग्नीफिकेशन मीन, अंडरलाइन करें, द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन. By combining a number of lenses in the correct manner, a microscope can produce that will yield very high magnification value. यानी अगर आपके पास एक लेंस आप इस्तेमाल करते हैं, दोबारा अभी तक देखिए, अगर मैंने एक लेंस इस्तेमाल किया तो वो चीज़ इनलार्ज होकर इतना नज़र आ रहा है. अगर आपने एक और लेंस इस्तेमाल किया तो वो चीज़ और ज़्यादा इनलार्ज हो सकता है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नीफिकेशन? आप लेंसेज की मदद से किसी चीज़ को इनलार्ज करके देख सकते हो. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन? द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन अ स्पेसिमिन. यानी कोई चीज़ अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके पास ये चीज़ रखी हुई है, बहुत करीब करीब ये डर है, लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन की मदद से इसको थोड़ा सा डिफरेंट डिस्टेंस करके, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देख सकते हैं. जैसे आजकल आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई आपके पास कोई तस्वीर होती है, उसको जब आप इनलार्ज करते हैं, उसको ज़्यादा वाजे प्रोमिनेंट करके देखते हैं. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा उसको मैग्नीफाइंग कर दें, बहुत ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दें, तो फिर उसके पिक्सल ख़राब हो जाते हैं. है ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना. ठीक है, तो ये बात माइक्रोस्कोप के अंदर ज़रूरी है कि मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन दोनों हो, तो आपका माइक्रोस्कोप जो है वो परफेक्टली काम करता है. सो पेज नंबर 53, फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? जी, बोथ मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर देखने के लिए रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब आइए हम ये बात देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. देर आर टू टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. नंबर 1 इज़ अ लाइट माइक्रोस्कोप एंड नंबर 2 इज़ अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? यस, इट्स वेरी इजी. इन लाइट माइक्रोस्कोप, नाम से जाहिर है, वी यूज़ लाइट फॉर इल्यूमिनेशन.
यानी रोशनी के लिए, रोशनी हासिल करने के लिए, लाइट के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए वी यूज़ लाइट। लाइट चाहे वो डे लाइट हो, सन की इस्तेमाल करें, या हम यहाँ पे बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला पोजीशन जहाँ पे मैं आपको शो कर रही पेंसिल, अगर आप रात का वक्त है, ठीक है, अंधेरा हो रहा है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे एक बल्ब रख देंगे और यहाँ बल्ब की लाइट जो है फिर वो यहाँ लेंस में से पास होने के बाद आपको चीज़ें ऑब्जर्व हो सकती हैं। इस सब डिटेल में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब ये दिस इज़ अ लाइट माइक्रोस्कोप, और लाइट माइक्रोस्कोप में हम चूँकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में 10x है और आपने आई पीस में 10x है और ऑब्जेक्टिव अगर आपने 40 लिया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो है आपके पास 400 आ जाएगा। अगर आपने यहाँ 40 की जगह 100 यूज़ किया है, ठीक है, अगर आपने 100x इस्तेमाल किया है, तो फिर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आई पीस को और ऑब्जेक्टिव को, तो आंसर आपका आ जाएगा 1000। तो पेज नंबर 53 में येलो बॉक्स देखिए, येलो बॉक्स में आपको ये सारा डिटेल बताया हुआ है कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम इसकी टोटल मैग्नीफिकेशन जो है किसी भी माइक्रोस्कोप की मालूम कर सकते हैं। ये बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 54, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम द लाइट माइक्रोस्कोप, व्हाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन बाय यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे हम लाइट इस्तेमाल नहीं करते, हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन हासिल होती है, और हाई रेजोल्यूशन की वजह से हम बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जितने भी गॉल्जी बॉडी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको अगर डिटेल स्टडी करना हो तो वी कैन यूज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन सिर्फ इसमें एक ड्रॉबैक ये है, लास्ट टाइम देखिए लाइव सेल जो है हम इसमें इमेज नहीं कर सकते, हमेशा वो सेल जो है वो किल्ड होता है, क्योंकि हम इसमें जो डिफरेंट डाई और इलेक्ट्रॉन बीम्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो डाई हो जाता है, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पेज नंबर 55 में आइए जी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं डिटेल, आप इसको अच्छी तरह लर्न करें और ये आप एग्जाम के लिए तैयारी भी साथ साथ करते जाइए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवीजन? रिवीजन का मतलब होता है हम आपको हर चीज़ें जो डिटेल है वो बता रहे हैं, लेकिन आपका काम है कि इसको अच्छी तरह रीड करें, अंडरस्टैंड करें और लर्न ऑल क्वेश्चन बाई हार्ट, ठीक है। इस दफ़ा आपने टेस्ट भी अच्छे नहीं दिए थे। ओके, टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 55 में है हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल, ठीक है। सेल की डेवलपमेंट, उसकी हिस्ट्री, किस तरह जो है हमने सेल को मालूम किया कि सेल मौजूद है, हमें तो लाजिम बात है आज से 200 ईयर्स पहले, 300 ईयर्स पहले तो सेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले किसने सेल डिस्कवर किया? यस, पेज नंबर 56, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिस्कवर किया। उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल किया था, और पीस ऑफ वुड लेने के बाद जब उन्होंने इसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, तो उनको हनी बी के जो कॉम्ब है, मैं आपको पेज 57 में डायग्राम बनी हुई है जी, इस तरह उनको ये नज़र आई, ठीक है। तो उन्होंने इनको, चूँकि ये प्लांट सेल था तो लाजिमी बात है सेल वॉल भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, और सेल वॉल होने की वजह से इनको प्रोमिनेंट जो सेल नज़र आया, ऐसे छोटे छोटे से घर की तरह, तो इन्होंने इनको क्या कह दिया? इन्होंने उसको कहा सेल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल? सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, ठीक है। रॉबर्ट हुक के बाद इन 1670 लेवन हुक एक साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाटर को, पानी के एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ऑब्जर्व किया, ठीक है। 1683 लेवन हुक ने दोबारा पब्लिश किया अपनी बुक जो है, उन्होंने पेश की, और उसमें उन्होंने प्रोटोजोआ इज़ अ स्मॉल यूनिसेलुलर एनिमल फाउंड इन वाटर, तो उन्होंने पानी के अंदर सबसे पहले प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया। 1833 जब तक जो है वो माइक्रोस्कोप थोड़ा सा हमारा ज़्यादा एडवांस हो गया था, डबल लेंसेस इस्तेमाल करने लगे थे, तो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट उन्होंने न्यूक्लियस को जो है प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया। 1839 सेल थ्योरी दी,
थियोडोर एच श्वान ने फिर 1839 में उन्होंने बात डिस्कवर किया कि सेल आर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल. द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग. यानी अगर वो लिविंग थिंग है तो उसके पास सेल्स होंगे. अगर वो यूनिसेल्यूलर है तो एक सेल होगा, और अगर मल्टी सेल्यूलर है तो बहुत सारे सेल्स मौजूद. इन 1840 साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात डिस्कवर की और बताया कि स्पर्म एंड एग आर ऑल्सो सेल्स. 1845 में हेनरिच ब्राउन ने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी बनाई, और उन्होंने ये जुमला कहा कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. 1855 रोडोल्फ वर्च्यू जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया. उन्होंने कहा कि ट्रांसलेट किया कि दैट ऑल सेल डेवलप फ्रॉम ओनली एग्जिस्टिंग सेल. इस जुमले का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खुद ब खुद सेल्स नहीं बन जाते. अगर कोई सेल है तो वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होंगे. यानी सेल की डिवीजन होगी तो न्यू सेल्स फॉर्म होंगे. ठीक है, इट्स मीन कि सेल्स डेवलप ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी एक मदर सेल होगी तो वो डिवाइड होने के बाद टू डॉटर सेल फॉर्म होंगे. ठीक है, खुद ब खुद कोई सेल्स नहीं बनेंगे. लास्ट पॉइंट आपके पास है 1862 लुईस पाश्चर. लुईस पाश्चर बहुत मशहूर माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट थे, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट प्रूव किया और उन्होंने ये बात सेल थ्योरी भी कि ऑल सेल्स आर ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो पेज नंबर 57 पे आइए. पेज नंबर 57 में व्हाट इज़ अ सेल थ्योरी. तो डिफरेंट साइंटिस्ट की जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, जितनी बातें थी, उनको श्वान एंड रोडोल्फ वर्च्यू ने कंबाइन किया और सेल थ्योरी बनाई. व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी? देयर आर फोर पॉइंट्स. नंबर वन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. नंबर टू, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. The new cell is derived from the pre-existing cells, dividing into two by cell division. And number four, the cell contains the hereditary material which is passed from generation to generation. Yani number one point, tamam cell jo hain, tamam organism jo ek cell se ya ek se zyada cell se bane honge. Number two, jitne bhi cells ke structure and function hain, wo tamam ke tamam jo hain, organism jo hai wo cell perform karta hai. Number three, जो भी सेल डेवलप होगा वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होगा. एंड लास्ट वन, सेल के पास सेंटर पे एक पार्ट होता है, दैट इज़ अ न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस हैव ऑल फंडामेंटल हेरिडिटरी मटीरियल. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, हम जल्दी से आ जाते हैं पेज नंबर 58 पे. और ये सब बातें आपको पहले से मालूम है, मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देती हूँ. व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और प्लांट सेल्स हों या एनिमल सेल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर उनके पास सेम होगा. दे ऑल हैव अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, डिफरेंस क्या होगा? प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल नहीं. ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल. एनर्जी फ्लो होती है सेल के अंदर, और तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो कैट हो, रैबिट हो, एलिफेंट हो, या अमीबा हो, या बैक्टीरिया सेल हो, द ऑल इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं? डीएनए में. डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के पास तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है. पेज नंबर 59 पे आइए. दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया सेल. दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया सेल. आपका होमवर्क भी यही होगा, मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ. ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल. टेस्ट मैंने लिया था, आप सबने बहुत ख़राब डायग्राम्स बनाई थी बेटा. मैं आपको बार बार गाइड कर रही हूँ कि आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस कीजिए. देन टर्न ओवर द पेज. पेज नंबर 60. There are some differences between prokaryote and eukaryote. What is the meaning of prokaryote? The
prokaryotes are those organisms which do not have a proper nucleus, and eukaryotes are the those organisms which have a proper nucleus. तो ये आपके पास पूरा एक चार्ट बना हुआ है, मैं इसको रीड कर रही हूँ जल्दी, क्विक ले लेते हैं रिविजन ताकि आपको सब बातें पहले से मालूम. ठीक है, नंबर वन न्यूक्लियस मैंने आपको बता दिया, प्रो के पास नहीं होती, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके पास बहुत कम होते हैं, एक लंबी स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर होती है और इनके पास बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम होता है. नंबर ऑफ सेल मोस्टली दे आर द यूनिसेलुलर, बिकॉज क्योंकि बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल है तो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट में सारे एनिमल्स आपके पास आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे. ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिक एब्सेंट होते हैं, इससे प्रेजेंट होते हैं. लाइसोजोम जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, यूकैरियोट के पास प्रेजेंट है. इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वेसिकल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, वाइल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेजेंट होती हैं. सेल का साइज प्रोकैरियोट्स में बहुत स्मॉल है एंड यूकैरियोट का साइज जो है वो बहुत बड़ा है. तो आप क्वेश्चन एक करेंगे, आपके लिए होमवर्क क्या है, नोट द होमवर्क. यस, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल. पेज नंबर 60 में आंसर है, आप पहले भी कर चुके हैं. ठीक है, यहाँ से देखकर आप इसको कॉपी पे कर लीजिए. स्पेशली बॉयज मैं आपसे कह रही हूँ, आप लोग काम नहीं करते, कॉपी सबमिट नहीं करवाते, मैं आपके मार्क्स यहाँ से डिटेक्ट कर लूँगी अगर आपकी कॉपी नहीं आई. और क्वेश्चन नंबर टू आपके लिए है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया सेल. पेज नंबर 59, पेज नंबर 59, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया सेल. सो दिस इज़ अ टू क्वेश्चन, आपके पास टू क्वेश्चन है होमवर्क के लिए. कॉपी पे काम कीजिए, रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और कॉपीज को सबमिट करवाइए. दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.